कैसे हो बच्चों आप सब। मैं आदित्य यादव साइंस क्लास में फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूँ। ये पार्ट 5 है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। हम 20 क्वेश्चनों को पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। 21वां क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दिया गया था आपको, और ये 22वां क्वेश्चन है जो हम इस बोर्ड पे दिखा रहे हैं आपको। 21 क्वेश्चन अगर नहीं कर पाए तो कमेंट बॉक्स में लिखें, अगले वाले वीडियो में वो आपको आंसर मिलेगा। इस क्लास में हम अब 22 नंबर का क्वेश्चन कराएंगे आपको। तो आइए देखिए भाई, अब क्वेश्चन का जो टाइप है ना वो चेंज हो गया है। यहाँ से वो क्वेश्चंस हैं सारे जो सारे के सारे एग्जाम में आए हुए हैं। एक भी मैं फालतू क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, ऐसे ही क्वेश्चन सिर्फ कराऊंगा जो एग्जाम में पूछे गए हैं। कभी ना कभी उन्हीं क्वेश्चनों को मैं स्क्रीन पे आपको दिखाऊंगा। तो एक बात ध्यान में रखेंगे कि अभी जो क्वेश्चन करेंगे ना, ये इसका थोड़ा लेवल अच्छा होगा, और अच्छे लेवल का क्वेश्चन करने के लिए पिछला जो क्वेश्चन है वो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले देखना पड़ेगा ताकि इफिशियंसी पता चले, टोटल वर्क पता चले कि क्या क्या है और कैसे निकालते हैं, तो हम इस चीज़ को आगे और अच्छे से जान पाएंगे। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे कि इस क्वेश्चन को करने से पहले जो हमारी प्रीवियस वीडियो बनी है ना उसे ज़रूर देखें। देखो बच्चों, अभी जो टाइम है ना, बहुत, जब आप कुछ नहीं कर रहे हो तो इस समय आप 1 घंटा नहीं निकाल सकते अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए, तो आगे क्या कर सकते हो आप। इसलिए हम बोल रहे हैं कि आप कम से कम ये जो आधे घंटे की वीडियो बन रही है उसे तो देखा करो यार, आप घर पे बैठ के, और क्वेश्चन को लिखा करो। और जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही है व्हाट्सएप करो या वो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करो, हमसे पूछो, मैं बताने के लिए यहाँ आपके लिए बैठा हुआ हूँ। और काफ़ी मेहनत किया जा रहा है अच्छी से अच्छी चीज़ों को देने के लिए। हम दिन रात प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों के पास तक बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पहुँचे और अच्छा कंसेप्ट, आप एक नया कंसेप्ट सीख सको। तो आइए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है कि ए प्लस बी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, बट आफ्टर सम डेज ए लेफ्ट द वर्क एंड द होल वर्क विल कंप्लीट इन 24 डेज। फाइंड आफ्टर हाउ मेनी डेज ए लेफ्ट इफ ए एंड बी कंप्लीट द वर्क इन 25 एंड 40 डे रिस्पेक्टिवली। हिंदी में इसी को पढ़ते हैं। करे कि ए और बी ने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया और पूरा काम 24 दिनों में पूरा हो गया। ज्ञात करें ए ने कितने दिनों के बाद काम छोड़ा होगा यदि ए और बी अकेले क्रमशः 25 और 40 दिनों में काम को पूरा करते हैं। अब देखेंगे जो प्रीवियस ईयर प्रीवियस क्वेश्चन थे ना, प्रीवियस वीडियो में जो क्वेश्चन थे उसमें ए बी दोनों से काम करवाया जाता था, दोनों साथ में करते थे। लेकिन अब आगे के क्वेश्चनों में ना क्या होगा कि एक काम छोड़ेगा फिर पकड़ेगा, फिर छोड़ेगा पकड़ेगा, ऐसे काम को हम ऐसे मतलब सवाल को हम कैसे करें देखेंगे, बिल्कुल आराम से सीखेंगे। और कोई भी आपको पढ़ने में किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है ना तो हमें जरूर बताएं। फोन नंबर तो जानते होंगे, 9821771296, इस पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और ये व्हाट्सएप नंबर भी है, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को करिए। कह रहा है कि ए और बी, मतलब ए और बी का मतलब ए अलग अलग हैं, ए और बी अकेले क्रमशः, थोड़ा और मोटा पेन ले लेते हैं ताकि अच्छे से विजिबल हो, 25 और 40 दिन में, मतलब ए कितने दिन में कर रहा है, 25 दिन में कर रहा है, बी कितने दिन में कर रहा है, 40 दिन में। अब देखेंगे हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, इतना तो आप जानते ही होंगे। और एलसीएम लेंगे तो आएगा क्या, हमने कई तरीके बताए हैं एलसीएम लेने के, हम छोटे से छोटे क्वेश्चनों में उसी को अप्लाई कर रहे हैं ताकि आपको बड़े से बड़े क्वेश्चनों को करने में बिल्कुल आसान हो, आसानी हो। अब देखिए यहाँ पर 5 × 5 है कि नहीं, 5 × 5 हम 25 कर सकते हैं कि नहीं, अगर इसको लेते हैं 5 × 5 = 25, और यहां पर एक 5 × 5 = 40, तो यहां पर 8 है कि नहीं, अरे 5 × 5 = 25
सॉरी 5 5 25 तो करेंगे, हाँ इसमें 25 है, 5 × 5 25 है, और यहाँ पर 5 तो है ही और 8 एक्स्ट्रा है, तभी तो 5 8 40 होगा। अब देखेंगे, अब ये करने के बाद ना हमारा बिल्कुल आसान हो जाता है। यहाँ टोटल वर्क आता है, टोटल वर्क अच्छा, अभी तो वैकेंसी आने वाली है, यूपीएसआई का अनाउंस हो चुका है, तो आप विशेष ध्यान दो पढ़ाई पे, मैं ये बात बोल रहा हूँ आपको, तो इधर उधर ना भटके, अपने टारगेट को फोकस करें। तो देखिए, अगर हम इस चीज में 25 का भाग देंगे तो 5 5 25 यहाँ बचेगा क्या? 8 बचेगा, अरे ये तो बच जाएगा, और 8 5 40 और यहाँ बचेगा क्या? 5 बच जाएगा। तो बिल्कुल आसान है, हमें हमेशा गुणा ही नहीं कर देना होता है, जो चीज जहां डिमांड हो ऐसा ही करना होता है, इस बात को देखेंगे। अब देखिए, अब क्या बोल रहा है कि इतना तो हमारा आ गया है कि ये टोटल वर्क है, ये एफिशिएंसी है, और ये हमारा टाइम है। अगर इतना बात पता चल गया, करा कि ए और बी ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया और पूरा काम 24 दिनों में पूरा हो गया। ये जो पूरा का पूरा काम है ना, इन्होंने 24 दिन में पूरा किया। अब एक बात बताइए कि काम किसने छोड़ा है? ए ने छोड़ा है, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि ए ने काम छोड़ दिया, तो पूरा का पूरा काम किया किसने होगा? मतलब स्टार्टिंग से लेके अंत तक कौन रहा? बी रहा होगा कि नहीं? अगर बी शुरू से लेके अंत तक रहा, तो 24 दिन में तो टोटल काम हुआ है, यानी जो बी है वो 24 दिनों तक रहा साथ में। अगर 24 दिनों तक साथ में रहा तो एक कितना काम किया होगा? 5 × 20 को 0, अब 5 × 10 = 12, यानी 120 काम तो अकेले बी ने किया होगा कि नहीं? अब यहां पर देखेंगे, 8 5 40 और 4 5 20, यानी टोटल हमारा काम कितना है? 200 है। 200 में से 24 दिनों में अकेले ए ने सॉरी बी ने कर दिया है 120 काम, तो 120 काम को हम माइनस करेंगे, बचेगा क्या? 80 काम, यानी 80 काम करके ये निकल लिया था, वो ट्रेन पकड़ लिया था कोरोना कॉल में, यानी ए द्वारा कितने दिन में काम छोड़ा गया करके, तो 80 काम को उसने 8 एफिशिएंसी के साथ 10 दिनों तक काम किया होगा, उसके बाद निकल लिया होगा। हमारा ऑप्शन नंबर बी इस प्रकार सही हो जाए। देखिए, थोड़ी सी गर्मी यहाँ पर लग रही है, बहुत गर्मी लग रही है, इसलिए फैन चालू करेंगे, हो सकता है आपको आवाज़ ना आए, थोड़ा कम आए, तो घबराए नहीं, जल्दी ही इसका हम कुछ प्रबंध करेंगे, तो इसलिए हम फैन चालू कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे कि अगर हमारे पास दो लोग हैं, ए और बी, तो दोनों मिलके जितने दिनों में काम कर सकते हैं, जैसे ये ने 25 दिन में किया, बी ने 40 दिन में किया, तो इन दोनों का एलसीएम लिए, इधर एफिशिएंसी आई। अगर ए ने अंत तक काम किया 24 सॉरी बी ने 24 दिन रहा, तो 24 दिन का क्या होगा? 5 × 24 एफिशिएंसी तो उसकी 5 थी, तो 24 5 120, अब 120 काम 200 में से घटाएंगे, तो 8 एफिशिएंसी के साथ करके निकला होगा, 10 आंसर आएगा इसका। समझ गए होंगे, उम्मीद है बिल्कुल आप सही समझे होंगे। अगर समझे होंगे ना तो कमेंट में जरूर लिखें कुछ कि हमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ताकि हम और इम्प्रूवमेंट कर सके। जो कमी आ रही है ना हमें बताओ, कोई चीज़ कमी हो रही है उसको हमको बताएंगे, तभी तो हम जान पाएंगे। अब आपके दिमाग में दूरबीन थोड़ी लगाए हुए हैं, अब बताओगे तभी जान पाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तेईस नंबर क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे ये रहा, बड़ा कर देते हैं ताकि आपको पूरे अच्छे से दिखाई दे। अब दिख रहा है कि नहीं बताओगे आप? बेस्ट दिख रहा है। अच्छा चलो, अगर दिख रहा हो तो हमको तो उम्मीद है आप सॉल्व भी कर लोगे इसे। आइए देखिए, करा कि ए बी सी, इंग्लिश में पढ़े? अच्छा चलो ठीक है, इंग्लिश में पढ़ देते। ए बी एंड सी कैन डू ए जॉब वर्किंग अलोन,
इन 50, 75 एंड 20 डे रेस्पेक्टिवली. दे ऑल वर्क टुगेदर फॉर 4 डे देन सी क्विट. हाउ मैनी डे विल ए एंड बी टेक टू फिनिश द रेस्ट ऑफ द जॉब. कह रहा कि ए बी तथा सी अकेले काम करते हुए किसी काम को क्रमशः 50, 75 और 20 दिनों में पूरा कर लेते हैं. वे सभी 4 दिन एक साथ काम करते हैं और फिर सी काम छोड़ देता है. बचे हुए काम को ए तथा बी कितने दिनों में पूरा करेंगे. बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा एक स्टेप और आगे है, देखेंगे कैसे. एक ही बात करें, देखो बाबू ये आपके लिए डिजिटल बोर्ड लेके आए हैं, तो आप पढ़ोगे ना तो कैसे काम चलेगा. सारी चीज़ें इन्वेस्ट हो रही है आपके लिए, तो आप पढ़ाई करो विशेष. और जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही ना उसे बताओ, हम और इम्प्रूवमेंट करेंगे, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा. चलिए आइए देखिए, करें कि एक कितने दिनों में कर देगा काम को. एक को अगर छूट दे दिया जाए तो पूरा का पूरा 50 दिन में कर देगा. अगर बी के लिए बोला जाए तो वो 75 दिन में करेगा. अगर सी के लिए बोला जाए तो कितने दिन में करेगा, 20 दिन में करेगा. अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे. और एलसीएम क्या आएगा इसका, आप उम्मीद लगा सकते हैं यहाँ 5×5. देखिए बिल्कुल आसान तरीक़ों से एलसीएम लेंगे, 5×5 25, और इसमें 25 थियाँ 75, तो 3 यहाँ निकल के आ जाएगा. यहाँ 5 तो है ही, 5×4 यानी 4 क्या है, एक्स्ट्रा है. और 5×5 25 दूना 50 है ना, तो इसमें 2 आएगा यानी 2×2, ठीक है उसी. चलिए अगर हम इसे थोड़ा सा छोटा कर दें इधर, अच्छा इस क्वेश्चन को ही छोटा कर देते हैं, ठीक है, अभी भी दिख रहा होगा आपको. चलिए तो अब यहाँ की बात करें तो ये 5×5 25, इसमें 2 है, तो 5×5 25 दूना 50, तो यहाँ 2×5 3 दूना 6, यहाँ पर आएगा क्या, 6 आएगा, सही है, आप समझ पा रहे हैं. अब देखिए 5×5 25 तीन 75, यहाँ पर क्या आएगा, 4 आएगा. और यहाँ पर 4×5 20 यानी बचा क्या, 5×3 15, और 15×3 15×4 60, यहाँ पर तो ज़्यादा आ रहा है. एक बार और चेक करेंगे, अरे सॉरी ये नहीं है, ये यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, एक मिनट देखेंगे. आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको थोड़ा सा, हाँ ठीक है. अभी यहाँ पर क्या था, 5×5 25 तीन 75, यहाँ पर 4 था. यहाँ पर जो मिस्टेक हुआ है, कैसे हुआ है देखिए, अगर यहाँ पर 5 और इसमें 2×2 है ना, 2×2 4 होता है, यानी 5×2 10, तो यहाँ 2 ही तो बचा, 5×3 15×2 30, अभी सही है. 5×2 10 दूना 20, अरे 5×4 20, 5×3 देखिए क्या मिस, ये गलती आप एग्जाम में करते हैं, छोटी छोटी पकड़ में नहीं आती है, और बार बार उसी को करते रहेंगे. एक क्वेश्चन रहेगा उसी को, उसी गलती को बार बार करेंगे. यहाँ पर ये 5×4 20 होगा, डायरेक्ट दिख रहा है 5×3 15, यानी 15 होगा. यहाँ पर क्या होगा, 15 होगा. अभी देखिए करें कि वे सभी 4 दिन एक साथ काम करते हैं. 4 दिनों तक अगर ये काम करेंगे तो 6×4 10, ये कह रहा है कि तीनों के तीनों, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, तीनों के तीनों 4 दिन काम करते हैं. अब एक बात बताइए, 4 दिन काम करेंगे तो 6×4 10 25 है ना इनकी एफिशिएंसी, 25×4 होगा कि नहीं, यानी होगा कितना, 100 काम होगा. और इधर क्या आ रहा है, 25×5×5 25 25×100, और 100 में 3 का गुणा करेंगे तो 300, यानी टोटल वर्क है कितना, 300 है. इसमें से 100 माइनस करेंगे तो बचेगा क्या, 200, अरे बचेगा कि नहीं. अगर 200 बचेगा तो
पूरा करके एक साथ काम करते हैं और फिर सी काम छोड़ देता है, बचे हुए काम को ए तथा बी कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब ए और बी सिर्फ कराना है कितने काम को, तो ए प्लस बी द्वारा 200 काम को करने में कितना दिन लिया जाएगा, 200 बटा 10, यानी हमारा आंसर क्या आएगा, 20। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है कि नहीं। अच्छा एक बात और हमको बताएंगे कि कितने मिनट की वीडियो पड़ेगी, कि डलनी चाहिए कि आप देख सको। आप पूरा का पूरा वीडियो नहीं देखते हो, हमको पता चल जाता है कौन पूरा का पूरा वीडियो नहीं देखता है, इसलिए आप पूरा वीडियो देखा करें। हाँ ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 नंबर का क्वेश्चन है ये, मतलब एक स्टेप और आगे आपको लेके जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहे कि ए और बी मिलकर 40 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं, ए और बी। कह रहे कि दोनों लोग अगर एक साथ काम करें ना तो 40 दिनों में काम क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ए और बी दोनों साथ काम करें तो 40 दिनों में काम पूरा हो जाएगा। कह रहे कि दोनों ने मिल दे स्टार्ट वर्क टुगेदर एंड आफ्टर 31st डे बी लेफ्ट द वर्क, मतलब जो बी है ना वो कितने दिन काम किया, 31st डे। बी लेफ्ट द वर्क एंड होल वर्क कंप्लीट इन 46 डे, और पूरा का पूरा काम 46 दिन में हुआ है। यानी ए ने 46 दिन काम किया और बी ने कितना दिन काम किया, 31 दिन। अगर दोनों के दोनों साथ में काम करते तो काम तो 40 दिन में समाप्त हो जाता, लेकिन ए को 46 दिन करना पड़ रहा है। रीजन ये है कि जो बी का 9 दिन का काम बचा हुआ है ना, उसे ए को करना पड़ रहा है, इसीलिए 46 दिन लग जा रहा है। अब यही रीजन है कि इसको 46 दिन लगा और इसको 31 दिन लगा। अब यहाँ पर क्या है, 9 दिन कम है, यहाँ पर क्या है, 6 दिन एक्स्ट्रा है। यानी 6A बराबर है 9B के, मीन्स 9 दिन में बी जितना काम करता 6 दिन एक्स्ट्रा करके ए ने उसे क्या किया, फिनिश कर दिया। यही बात हुई ना। अब यहाँ से क्या होगा, ए इधर बी को ले आएंगे तो बी आ जाएगा, इधर आ जाएगा 9/6, इसे काटेंगे 3×3=9 और 3×2=6, यानी आएगा क्या, 3/2। यानी ए की एफिशिएंसी 2 और बी की एफिशिएंसी ए की एफिशिएंसी 3 और बी की एफिशिएंसी 2 आ गई। इतना बात तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर एक चीज़ समझने वाला है, वही भी चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि दोनों साथ कर रहे हैं तो 40 दिन, लेकिन ए 31 दिन तक ही काम कर रहा है, जिसकी वजह से ए को 46 दिन काम करना पड़ रहा है। बी ने 31 दिन सिर्फ काम किया, जिसकी वजह से ए को 46 दिन लग गए। यानी अगर 9 दिन का ये जितना काम बचा हुआ है, इसे 6 दिन एक्स्ट्रा कर ले रहा है, 6 दिन एक्स्ट्रा मिल रहा है तो उसे कर ले रहा है। यानी 6A = 9B। अब दोनों की एफिशिएंसी आ गई है और बी की। अगर हम टोटल वर्क की बात करें, टोटल वर्क की, अभी इतना मिटा देता हूँ मैं, टोटल वर्क की बात करें, अब हमको पता चल गया है कि ए की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, 3 है, और बी की एफिशिएंसी क्या है, 2 है। इधर से पता चला था, अगर ये 40 दिन काम करते तो टोटल वर्क होता कितना, अरे 3 × 2=5 होता है, 5 एफिशिएंसी के साथ काम करते तो 5×2=20, 200 काम होता टोटल। करें कि ए अकेले 50% काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, 50% काम का मतलब 200 का 50% यानी 100, यानी ए द्वारा 100 काम को करने में 100/3 लिया जाएगा, यानी 3×3=9, 1/3, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पच्चीस नंबर क्वेश्चन अब लगाएंगे।
जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम, वैसे वैसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते जाएंगे आपके स्क्रीन पे, क्योंकि आप समझदार होते जा रहे हैं ना। अगर पिछली वीडियो देख रहे हैं तो आगे और समझदार होते जा रहे हैं, इससे आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। कह रहा कि ए तथा बी किसी काम को 18 घंटे में पूरा कर सकते हैं, अगर ए और बी दोनों साथ काम करें, ए प्लस बी, तो काम को कितने देर में करेंगे? 18 घंटे में पूरा कर सकते हैं। 6 घंटे बाद एक काम छोड़ देता है, 6 घंटे बाद, यानी ए ने कितने घंटे किया? 6 घंटे बाद। बचे हुए काम को पूरा करने में बी को 36 घंटे लग जाते हैं। अब इसको कितना लग गया? 36। किसकी वजह से? एक काम चोर निकला, एक काम चोर निकला ना, 6 ही दिन किया, भाग गया, जिसकी वजह से। अब देखिए, अब इसका कितने दिन का काम एक्स्ट्रा है? 12 दिन का। अगर 12 दिन का काम इसका बचा हुआ है, जिसकी वजह से बी को 18 दिन एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, यानी 12A = 18B हम लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? यानी ए अपॉन बी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी क्या? 18/12, यानी 6 × 12, 6 × 3, 18, एफिशिएंसी 3 और 2 आ गई। आ गई कि नहीं? ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है। बी की एफिशिएंसी है क्या? 2 है। अगर दोनों 18 दिन काम करते तो 5, तो टोटल काम होता कितना? अगर टोटल वर्क की बात की जाए, 18 × 5 = 90, यही ना होगा? करे कि ए अकेले काम को करता है तो उसे इस काम को करने में कितना दिन लगेगा? तो ए 3 एफिशिएंसी के साथ काम करेगा, यानी ए द्वारा लिया गया टाइम 90 टोटल वर्क है 3 एफिशिएंसी के साथ, 3 × 3 = 9, 30 दिन लगेगा। ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, एक बार और चेक करते हैं क्वेश्चन को। यदि ये अकेले काम करता है तो उसे इस काम को करने में कितना घंटे लगेंगे? 0, 8, 5, 40 को 0, 5, 1, 5, 4, 9, 90, तो सही है। ये तो तभी 18 घंटे, देखिए हमारा जो ये क्वेश्चन है, तो लगा इसी तरह हम इसको सॉल्व करेंगे, और ये मिस्टेक कहाँ हुआ है देखेंगे, हो सकता है कि ऑप्शन हमारा ये मतलब गलत हो। तो इस क्वेश्चन को एक बार हम चेक करेंगे, और आप भी लगाएंगे और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि इसका आंसर क्या आएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको दोबारा एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू दोस्तों।